झारखंड में जारी सियासी हलचल के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। शुक्रवार पहले सुबह झारखंड कांग्रेस के कुछ विधायकों के आवास पर आईटी के छापे की खबर है। मिल रही जानकारी के मुताबिक आईटी ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और अनूप सिंह के आवास पर छापा मारा। बता दें कि प्रदीप यादव पुरैयाहाट से विधायक है, वहीं अनूप सिंह बेरमो से विधायक है। प्रदीप यादव के पंचोटी कांके रोड स्थित पर छापेमारी हो रही है। आयकर विभाग ने विधायक अनूप सिंह के खुसरो के भूरी स्टाफ क्वार्टर स्थित आवास पर भी छापा मारा है। शुक्रवार अहले सुबह कुल 8 वाहनों के जरिए आईटी की टीम अनूप सिंह के आवास पर पहुंची। अनूप सिंह अपने आवास पर नहीं थे, वे बुधवार को ही रांची के लिए निकल गए थे। बता दें कि रांची कचहरी चौक स्थित आवास पर भी आईटी की छापेमारी जारी है। यहां कोयला व्यवसायी अजय सिंह के आवास पर भी छापेमारी जारी है। बता दें कि बेरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह का नाम कांग्रेस विधायकों के हालिया कैश कांड में सामने आया था। दरअसल कांग्रेस विधायक डॉ इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कुंगाड़ी के हावड़ा में 49 लाख रुपए कैश के साथ पकड़े जाने के बाद अनूप सिंह ने रांची के अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। अनूप सिंह ने आरोप लगाया था कि डॉ इरफान अंसारी ने उन्हें बीजेपी के सहयोग से सरकार गिराने में मदद करने के एवज में 10 करोड़ रुपए कैश और मंत्री पद का ऑफर दिया था। मामले में कोलकाता पुलिस ने अनूप सिंह से भी पूछताछ की थी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।